बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमने शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की मशक 6.1। इससे पहले हम कुछ बेसिक्स बातें सीख लेते हैं ताकि हमें ये चैप्टर करने में आसानी रहे। तो हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसा कि गजर किसे कहते हैं, मजजूर किसे कहते हैं। बेसिकली जजर का नाम रेडिकल है और मजजूर जिस पर जजर हो उसको रेडिकेंट भी कहते हैं। तो जजर की अलामत ये है और मजजूर जो भी जजर के अंदर हो, फॉर एग्जांपल अगर एक्स है तो एक्स मजजूर होगा। अब इसमें हमारे पास एक और चीज है इंडक्स। इंडक्स बेसिकली जो भी जजर की पावर होगी, यानी जजर का इंडक्स, फॉर अगर हम जजर को खत्म करते हैं तो जजर को खत्म करने के तरीकेकार ये है कि एक्स लगाकर जजर की जगह पर ब्रैकेट लगाएं और एन को 1/n में कर लें। इसी तरह हमारे पास एक और चीज के उवद्रमा क्या होता है, असास क्या होता है और अदती सर क्या होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास तरीके का है असास जिसकी पावर होगी वो असास होगा, यानी अगर उवद्रमा नहीं है तो वो असास भी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पर x की पावर 3 है, 2x की पावर 3, तो 2 इसमें क्या है, अदती सर है, एक्स इसमें असास है और 3 इसमें कुवतनुमा है। तो ये दो चीजें थी बेसिक्स में हमारे पास, जजर किसे कहते हैं, मजजूर किसे कहते हैं और असास क्या है, कुवतनुमा क्या है और अदती सर क्या है। यानी कुवतनुमा नहीं होगा अगर असास नहीं होगा, अगर असास है तो कुवतनुमा है और जिसका कुवतनुमा है वही असास है, अगर कुवतनुमा नहीं है तो असास भी नहीं है। अदी सर हमेशा असास के साथ उसकी अदी वैल्यू बताता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स बातें थी। इसमें हमने फाइंड करना है जजर में जजर और मजजूर बताइए। तो हमारे पास जजर क्या है, जिसका स्क्वायर रूट है, बाकी किसी वैल्यू को हमने नहीं देखना, सिर्फ जिसकी वैल्यू जो जजर के अंदर है उसको हमने जजर कह दिया। और मजजूर हमारे पास क्या है, जिसके ऊपर जजर है, यानी ए का जजर है तो ए हमारे पास क्या है, मजजूर है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी हमारे पास जजर क्या है, जजर है हमारे पास स्क्वायर रूट 5, जजर 5 और मजजूर है हमारे पास 5, जिसका जजर क्या है। आई होप सो इसमें भी आपको समझ आ चुकी होगी कि जजर हमारे पास क्या है, जजर बराबर है 13, जजर 13 और मजजूर इसमें क्या है, जिसका जजर है वो हमारे पास 13 है। तो 13 का जजर यानी 13 मजजूर है और ये पूरी वैल्यू 13 का जजर कहलाता है। इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि जजर को कुवतनुमा की शक्ल में लिखिए। तो कुवतनुमा की शक्ल में कैसे लिखते हैं, मैं बता चुका हूँ कि जजर को खत्म करके ब्रैकेट लगाते हैं और जो भी इंडक्स हो वो बाहर लिख देते हैं बटे में। हमारे पास ये क्वेश्चन है 1/, सबसे पहले हम इसका जजर खत्म करते हैं, ए की पावर हमारे पास के है वैसे लिख दिया और जजर खत्म करके ब्रैकेट लगाई और पी 1/p में कर दी। इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा a 1/ a की पावर k, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई 1/p। तो ये हमारे पास आ गया 1/ a की पावर k कम a 1/p। तो अगर हम बटा भी खत्म कर दें तो ये नीचे से पावर जो है असास ऊपर आएगा तो इसकी पावर मनफी हो जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया माइनस का के बटा पी। तो जब भी नीचे से वैल्यू ऊपर आए तो ऊपर आके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का के बटा पी। बेसिकली इसमें रूल ये है कि अगर हम वन क्या है हमारे पास, अगर हम किसी की भी पावर जीरो कर दें तो वो वन के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर सपोज कर लें कि वन की जगह पर है ए की पावर जीरो और बटे में ए की पावर है के बटा पी, तो बेसिकली हमने ए की पावर जीरो इसको इसलिए कहा कि नीचे भी ए है, बेस सेम हो जाएगी, बेस सेम हो तो पावर्स को प्लस या माइनस किया जा सकता है। जब पावर को प्लस या माइनस किया जा सकता है तो ए की पावर जीरो और ये के बटा पी ऊपर जाके माइनस का के बटा पी, क्योंकि ये दोनों साथ सेम है, दरमियान में डिवाइड है, तो डिवाइड की वजह से इनकी पावर माइनस हो जाएगी। तो माइनस किया तो हमारे पास जीरो माइनस के बटा पी आ गया, तो जीरो में से माइनस करेंगे तो एक पावर आ जाएगी माइनस का के बटा पी। लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसलिए मैंने यहीं से स्टेप डायरेक्ट कर दिए। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
वन ओवर ए की पावर के स्क्वायर रूट बी, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें जजर है और इसमें जजर के बगैर वैल्यू तकरीबन सेम, हम इसको भी वैसे ही हल करेंगे, वन ओवर ए की पावर के और ये जजर को खत्म करके ब्रैकेट लगाएंगे और एक बटा बी जो भी इंडेक्स में हो उसको बटे में लिख देंगे ए बटा बी। तो ये हमारे पास अगले स्टेप में आ गया, वन ओवर ए की पावर ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई के कम के बटा बी, अब ये पावर बेस को ऊपर लेके आएंगे, जैसा मैं पहले बता चुका हूं ऊपर ए की पावर अगर जीरो कर दें तो ये ऊपर आके आ जाएगा ए की पावर माइनस के बटा बी। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर तीन है हमारे पास जजरी शक्ल में देखकर हल करें, तो इसमें हमारे पास दो स्टेप है, पहले हमने इसको जजरी शक्ल में लिखना है और फिर इसको मुख्तसर करना है यानी हल करना है। तो जजरी शक्ल में लिखने का तरीकेकार क्या है, जजरी शक्ल में लिखने का तरीकेकार ये है कि जो भी बटे में लिखा हुआ है उसको जजर लिख के इंडेक्स बना दे, यानी एक बटा तीन है तो इंडेक्स तीन बना दे और अंदर आ गया 64 का एलसीएम कर ले, दो तीन छह दो दो चार, दो एक दो, दो छह बारह, दो आठ सोलह, दो चार आठ, दो चार, दो एक दो। अब यहां से जरा ध्यान से समझेगा मैं क्या करता हूं, हमें चाहिए बेसिकली जिसकी पावर तीन हो वही जजर से बाहर आ सकता है, तो दो जरब दो जरब दो कितने दो हमारे पास तीन चार पांच छ, छह यानी दो एक दो तीन चार पांच छ, हमें तीन तीन चाहिए तो हम तीन तीन की पावर बना लेंगे, तो दो की पावर तीन जरब दो की पावर तीन, तो इसे हम लिख सकते हैं क्यूब में दो की पावर तीन जरब दो की पावर तीन, तो जिसकी पावर तीन है वो बाहर आ जाएगा, दो जरब दो ये कटिंग हो जाएगा तो दो दो चार आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 की पावर है 1/4, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको जजरी शक्ल में लिख लेते हैं, 484 एलसीएम कर लेते हैं इसका, तो ये हमारे पास आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 81 की पावर 1/4, तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, हमारे पास 81 को पहले जजर की शक्ल में लिखा है 81 और जो बटे में 1/4 उसको इंडेक्स बना दिया, 81 का एलसीएम कर लेते हैं हम, तीन दो छ तीन सात इक्कीस, तीन नौ सत्ताईस, तीन तीन नौ, तीन एक तीन, तो ये हमारे पास आ गया तीन की पावर चार, तो ये डायरेक्ट ही कट जाएगा तीन की पावर चार, ये चार से चार कैंसिल हो गया और बाकी हमारे पास आंसर आ गया तीन। तो बेसिकली जजर के अंदर जो इंडेक्स होगा अगर अंदर वाले नंबर की वही पावर बन जाए तो वो बाहर निकल आता है, तो तीन की पावर चार बना अगर हमने इंडेक्स फोर से काट दिया और हमारे पास आंसर आ गया तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह हमारे पास 1000 की पावर 2/3, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको जजर की शक्ल में लिखेंगे, लेकिन जजर की शक्ल में लिखने से पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर ले, 1000 की पावर कर दी हमने 2 और जो बटा 3 था उसको अलग कर दिया, बटे ब्रैकेट लगा के 1/3 कर दिए, अब ये हमारे पास आ गया जजर लगाकर 1000 की पावर 2 और इंडेक्स में 3, ये जो 3 बटे में था वो इंडेक्स में चला गया, अब 1000 का एलसीएम कर लेते हैं हम, 500 दो चार दो पांच दस, 250 दो दो चार दो पांच दस 125, अब ये 5 पे जाएगा, 5 दो 10 5 5 25, तो 2 की पावर में 3 और 5 की पावर में 3 आ गए और होल पावर है इसकी 2 और इंडेक्स है 3, हमें पता है कि जब इसकी पावर 3 आएगी तो तभी ये इंडेक्स से बाहर निकल सकेगा,
तो इससे पहले ये भी देखते हैं कि हमारे पास कॉम्पिटेटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन में होल्ड करता है, यानी 2 जरब 3 बराबर होता है 3 जरब 2 के। तो ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी हम इसमें भी यूज करेंगे। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं देखते हैं। हमने कहा इंडेक्स में है 3, 2 की पावर भी 3 है, 5 की पावर भी 3 है, तो 2 जरा 5 की होल पावर 3 कॉमन कर दिया, और ये जो बाहर 2 था उसको मैंने स्केल ब्रैकेट लगा के बाहर कर दिया। अब ये फिर से मैंने जजर लिया और 2 जरा 5 होल पावर है 3 और जरब हो रहा है 2, तो मैं 3 को बाहर लिख देता हूँ और 2 को अंदर लिख देता हूँ। उससे हमारा फायदा भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में वैल्यूज को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो गया, इंडेक्स 3। अब हमारे पास बच गया 2 जरा 5 की पावर 2, तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे, 2.10 और 10 की पावर आ गई 2, और 10 की पावर 2 बराबर है 100 के। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, उसने कहा कि जजरी शक्ल में लिखकर हल किए, तो हमने जजरी शक्ल में लिखकर हल भी कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64 की पावर 1/2, तो हम इसको सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसको जजरी शक्ल में लिखते हैं 64, अब आगे इसका 2/2, अगर 2/2 में आ जाए तो हम उसको इंडेक्स में नहीं लिखते, क्योंकि इंडेक्स में अगर कुछ भी ना हो तो उसका मतलब होता है 2। तो हम 64 का एलसीएम करते हैं, एलसीएम जो कि सबको करना आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही कह रहा हूं। तो काफी बेसिक चीज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर। हमें चाहिए था अगर जजर के अंदर 2 की पावर 2 बन जाए, यानी किसी भी नंबर की पावर 2 बन जाए, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं ताकि ये 2 की पावर 2 बनाया जा सके, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 दफा आ गया। सिंपली अब ये कटिंग हो रहा है जजर से, तो ये तीनों कटिंग हो के बाहर आ जाए, ये सारे से कट हो गए, 2, 2, 4, 4, 2, 8, फाइनली आंसर हमारे पास आ गया 8। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के मुख्तसर कीजिए और जवाब कुवतनुमा की शक्ल में लिखिए। तो हम इसको मुख्तसर भी करेंगे और जवाब कुवतनुमा की शक्ल में लिखेंगे, यानी इसकी जजर खत्म कर देंगे। तो जजर खत्म करते हैं हम, 1 की पावर है 16, जजर को खत्म किया तो जजर के इंडेक्स में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1/2, 2, 1, 2, 2, 8, 16, सिंपली कटिंग हो गया। 1 की पावर आ गया हमारे पास 8, 1, 8 आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, चूंकि हम एएलपी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं एएलपी के मुताबिक है। तो ये हमारे पास 27, 1 की पावर 9, होल पावर जजर को खत्म करके ब्रैकेट लगाई और इंडेक्स में जो है उसको बटे में लिख दिया। 27 के एलसीएम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3। तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 3, 1 की पावर 9 और होल पावर है 1/3। अब यहां से जरा तवज्जो दें, हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं सबके लिए 1/3 है, यानी ये 1/3 इन सब का है, चूंकि सबका जजर था इसलिए सबकी पावर्स के साथ 1/3 मल्टीप्लाई होगा। तो हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की पावर 3 ये भी मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ, मल्टीप्लाई 1 की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 3 और 1 की पावर 9 में कोई अलामत नहीं है, तो जरब की अलामत होगी। कटिंग कर देते हैं सिंपली, 3 इकम 3, 3, 3, 9, 3 की पावर 1 और जरब 1 की पावर 3 इकम 3। अगर पावर 1 हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 3 a की पावर 3, क्योंकि इनके दरमियान अगर कोई अलामत ना हो तो तब भी मल्टीप्लीकेशन की ही अलामत होती है। तो हमने मुख्तसर भी कर दिया और जवाब कुवतनुमा की शक्ल में भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 125 x की पावर 9 y की पावर 15। सबसे पहले इसका जजर खत्म करेंगे,
जिधर खत्म करके ब्रैकेट लगाई और पावर आ गई 1/3। 125 का एलसीएम कर देते हैं हम, तो ये हमारे पास जाएगा 5 पर जाएगा ये 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 1 5 तो 5 की पावर आ गई 3। एक्स की पावर है 9 और ये दरमियान में मल्टीप्लीकेशन लगाई जा रहा हूं। वाई की पावर है 15 और होल पावर है 1/3। तो 5 की पावर 3 जरा हो गया, ये भी 1/3 के साथ। एक्स की पावर 9 ये भी मल्टीप्लाई हो गया 1/3 के साथ। वाई की पावर 15 ये भी मल्टीप्लाई हो गया 1/3 के साथ। ये 3 से 3 कैंसिल, 3 1 3 3 3 9 3 1 3 3 5 15 तो ये हमारे पास आ गया 5 की पावर 1 एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 5। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 5 x³ 3 y⁵5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है लेकिन ये इंतहाई आसान है। इसमें सिंपली आपने क्या करना है, 8 + y⁻⁷ को वैसे लिख देना और जजर को खत्म करके ब्रैकेट लगा के 1/2, क्योंकि इंडेक्स में कुछ नहीं है तो 1/2। अगले स्टेप में 8 + y⁻⁷ मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 7/2 आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हम सिंपली क्या करेंगे, y की पावर n ओवर a की पावर m, जजर को खत्म करके हमने होल पावर कर दी 1/3। तो 1/3 चूंकि दोनों के लिए पावर है तो ऊपर वाली रकम भी 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाय 1/3 और बटे में a की पावर m ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 के साथ। तो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे पास n/p / a की पावर m/p, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुख्तसर कीजिए, इनको सिंपली मुख्तसर करना है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान से समझ लें कि इसमें इनको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, कि जिस तरह हम कहते हैं कि अगर असास सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, यानी 2 × 2 है तो हम इसकी 2 की पावर 2 कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास इंडेक्स सेम हो तो हम वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 है, इसके अंदर 3 लिखा हुआ है, इसके इंडेक्स भी 5 है, इसके अंदर 2 लिखा हुआ है, तो हम इंडेक्स कॉमन ले सकते हैं और 3 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ सकते हैं 6। ये मैं फर्जी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये हमारी बुक का हिस्सा नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दी कि एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं कि अगर इंडेक्स सेम हो यानी जजर सेम हो तो हम उनके रकमें जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में, एडिशन नहीं कर सकते हम। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास स्क्वायर रूट इंडेक्स 5 है और स्क्वायर रूट इंडेक्स 2 है, 5 इंडेक्स है और 5 इंडेक्स इसमें है और वैल्यूज अंदर डिफरेंट है, तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि हम इंडेक्स को कॉमन लेंगे और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 128 के साथ। तो क्या आंसर आते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं कैलकुलेटर पर, 512, इसका एलसीएम कर देते हैं 2 2 4 1 5 4 2 5 10 और 1 5 4 2 6 12 2 1 2 2 2 4 2 8 16 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास 9 आ गए, और हमें पता है कि जजर में से बाहर वही निकलेगा जिसकी पावर 5 हो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इसमें से 5 की पावर बना लें, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 अलग हो गए, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 5 जरा 2 की पावर 4 तो ये 5 वाला कट हो गया और बाकी हमारे पास बच गया इंडेक्स में 2 की पावर 4।
तो ये हमारे पास आ गया आंसर। पर अगर आप लोग यहां तक ही आंसर कर देंगे तो तब भी ठीक हो, मजीद सॉल्व ना भी करेंगे तो तब भी ठीक, बल्कि आप लोग यही करें क्योंकि बुक में आपके पास यही आंसर है 5, 12 स्क्वायर रूट इंडेक्स में 5 है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 9 32। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इनको पहले पावर्स में रिजॉल्व कर देते हैं यानी इनके जजर खत्म कर देते हैं। तो 2 की पावर आ गई 1/2 तकसीम 2 की पावर है 5 और जजर को खत्म करके हमने कर दिया 1/2 रिजॉल्व कर लिया। अब हम 1/2 तकसीम 2 की पावर 5 कम 5 और 1/9 तकसीम में पावर्स माइनस हो जाती हैं, 1/2 में से माइनस किया 5/9 2 की पावर एलसीएम लेने का तरीके का 2 और 9 का एलसीएम क्या होगा, दोनों चूंकि डिफरेंट नंबर्स हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम आ जाएगा 2 9 18। अब ऊपर हमारे पास एक है 2 9 18 9 1 9 माइनस 9 2 18 2 जो आंसर है 2 5 10 2 की पावर माइनस का 1/18 माइनस खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे इसको बटे में ले जाएंगे 1/2 की पावर 1/18 और इसको वापस जजर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 वैसे ही आ जाएगा और जिसके बटे में 18 वो इसके इंडेक्स में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 1/2 स्क्वायर रूट सॉरी जजर इंडेक्स में 18। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 6/7 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 1/4 इसमें हम क्या करेंगे दोनों की बेसिस को सेम कर देंगे, कुवत नुमाओं के जो फ्रैक्शन है बटे में डिनोमिनेटर है उनको सेम करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि y के बटे में पावर के बटे में 4 है, इसके बटे में भी अगर 4 आ जाए तो हमारी बात बन सकती है। तो हम क्या करेंगे खुद से इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 4 से डिवाइड भी कर देंगे, y की पावर 1/4 वैसे की वैसे। अब x की पावर बनेगी 24/7 4 और इसको हम यूं कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1/4 तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय y की पावर 1/4 जजर में लिखेंगे तो x की पावर आ गई 24/7 और ये जो 4 था ये बाहर इंडेक्स में चला गया। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय y का जो पावर थी 1/4 वो भी इंडेक्स में चला गया और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया x की पावर 24/7 इंटू y और होल का इंडेक्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 3/4 ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 के साथ और y की पावर 1/6 ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, ये तो 6 के साथ 6 कैंसिल 2 3 6 2 2 4 x की पावर आ गई 3 3 9/2 जरब y की पावर 1 तो ये हमारे पास आ गया x की 9 और इसका बटा 2 वो जजर में चेंज हो गया और y 7 वैसे। तो फाइनली आंसर है हमारे पास y इंटू x की पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 x की पावर 3 ये भी मल्टीप्लाई हो गया 1/4 के साथ, y की पावर 2 ये भी मल्टीप्लाई हो गया 1/4 के साथ, x की पावर 1/3 ये भी मल्टीप्लाई हो गया 3/4 के साथ और y की पावर कुछ भी नहीं है तो इसकी 3/4 वैसे भी वैसे क्योंकि इसकी पावर 1 है कुछ भी ना हो तो पावर 1 होती है 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होके वही आ गई। अब x वालों को x वाले के साथ सॉल्व करते हैं, उससे पहले 3 3/4 y की पावर 2 इसको डायरेक्ट नहीं करते 2/4 2 1 2/4 और जरा x की पावर ये 3 से 3 कैंसिल 1/4 और y की पावर 3/4 ये मैंने 4 इसलिए नहीं काटा कि एलसीएम सेम हो जाएगा तो हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। x की पावर 3/4 ये चूंकि सेम बेसिस है दरमियान में मल्टीप्लीकेशन है तो पावर से ऐड हो जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2/4 प्लस 3/4
नेक्स्ट हमारे पास x की पावर एलसीएम 4 आ गया और ऊपर वाली वैल्यूज को जमा कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय y की पावर आ गई एलसीएम आ गया 4 और सम किया तो आ गया 5। दोनों की बेसिस बटे जो पावर का बटा है वो सेम आ गया तो हम मेजरमेंट को लिख देंगे x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 5 और इंडेक्स में क्या आ जाएगा इन दोनों के बटे आ जाएंगे 4। इस तरह से ये भी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन 6.1 का हमारे पास है x की पावर 2 ये भी जरब हो जाएगा 1/5 के साथ, y की पावर 3 ये भी जरब हो जाएगा 1/5 के साथ, x की पावर 1/3 ये भी जरब हो जाएगा 1/4 के साथ और y की पावर 2 ये जरब हो जाएगा 1/4 के साथ। ये जो दोनों वैल्यूज की कुवत नुमा थे वो होल कुवत नुमा के साथ मल्टीप्लाई हो गई और इसके भी कुवत नुमा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब x की पावर आ गई 2 × 2/5 और जरब y की पावर 3 × 3/5 जरब x की पावर है 1 × 1 और बटा 3 × 4 = 12 जरब y की पावर है 2 × 2 और बटा 4। नेक्स्ट हमारे पास है x वाली के साथ हल कर देते हैं 2/5 + 1/12 जरब y की पावर है 3/5 और जमा 2/4 तो ये नेक्स्ट हमारे पास आ गया x की पावर 5 और 12 के एलसीएम ये चूंकि दोनों डिफरेंट नंबर है किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकते तो इसलिए हमारे पास आ गया 12 × 5 = 60 मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट कर देंगे 60 को तकसीम में रख के 5 पर तकसीम करेंगे तो 12 आएगा 12 × 2 = 24 और जमा 12 × 5 = 60 होते हैं तो 5 जो आंसर आया उसको एक से जरब करेंगे तो 5 = 5 y की पावर 5 और 4 के एलसीएम क्या आ जाएगा 5 और 4 चूंकि डिफरेंट नंबर है इसलिए 20 एलसीएम आ जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 20 को डिवाइड में लिख के 5 पर डिवाइड करेंगे तो 5 × 20 जो 4 आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 4 × 3 = 12 4 × 5 = 20 इसी तरह 20 को 4 पर तकसीम करेंगे तो 4 का पहाड़ा 5 तक पड़ेंगे आंसर आ जाएगा 5 × 4 = 5 = 20 और 5 को 2 से जरब कर देंगे 5 × 2 = 10 तो ये नेक्स्ट हमारे पास आ गए x की पावर 24 में 5 जमा किया तो 29/60 और जरा y की पावर 10 में 12 जमा किया तो ये हमारे पास आ गया 22/20 कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें 2 × 2 = 2 और 2 × 5 = 2 × 10 = 20 तो ये हमारे पास फाइनली आंसर इसका आ गया x की पावर 29/60 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 11/10 यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से हमारे पास 6.1 अपने इख्तिताम को पहुंचे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा को कल फिर इसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।